आज बनाए गए स्ट्रॉबेरी जैम स्लाइस के फ्राई पैन में। वेलकम टू माय चैनल कुक विद अतुक बसर। चार अंडे, एक टीस्पून विनेगर, एक कप पाउडर शुगर यानी किसी भी शक्कर, वन टेबल स्पून दूध, वन टेबल स्पून तेल, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस या स्ट्रॉबेरी एसेंस, दो या तीन ड्रॉप्स पिंक फूड कलर, एक कप मैदा और स्ट्रॉबेरी जैम। एक बॉल में चार अंडे की सफ़ेदी यानी एग वाइट ले, उसमें वन टीस्पून विनेगर डालें, उसमें एक कप पाउडर शुगर डालें, थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें, साथ में इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करते जाएं। जब सारी शक्कर ऐड कर दें, उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड को हाई कर दें। हाई स्पीड पर बीट करते जाए जब तक के वो फ्लफी फॉर्म में न हो जाए। इस तरह से क्रीमी टेक्सचर रेडी होने तक बीट करते रहे हाई स्पीड पर। ये देखे, क्रीमी टेक्सचर रेडी हो गया है। अब इस क्रीमी टेक्सचर में एक टेबल स्पून दूध डालें, एक टेबल स्पून तेल डालें और चार अंडे की जर्दी डालें। अब हैंड बीटर की मदद से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएं। एक टीस्पून वेनिला एसेंस डालें। वेनिला एसेंस डालने के बाद हैंड बीटर की मदद से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। दो या तीन ड्रॉप्स पिंक फूड कलर डालें और मिक्स करें। एक कप मैदा लें, उसे थोड़ा थोड़ा कर ऐड करें। एक ही डायरेक्शन में हैंड बीटर की मदद से मिक्स करें। मैदा ऐड करते रहे और हैंड बीटर से मिक्स करते जाएं। बैटर रेडी है, अब लास्ट में उसमें जैम डालें। जैम डालने के बाद इसे मिक्स करें। स्ट्रॉबेरी जैम केक का बैटर रेडी है। फ्राई पैन में बटर पेपर लगाएं और ऑयल से ग्रीस करें। ग्रीस करने के बाद आधे बैटर को फ्राई पैन में डालें। तवे को हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गरम करें। 10 मिनट के बाद गैस की आंच को मीडियम करें और फ्राई पैन जिसमें केक का बैटर है उसे तवे पर रख दें। प्लेट से फ्राई पैन को ढक दें। 8 मिनट के बाद प्लेट हटाकर टूथपिक डालकर चेक करें। ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल साफ है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया। अब उसे निकाल लें दूसरी प्लेट में। केक रेडी हो गया। इस तरह से चारों साइड से बॉर्डर कट करें और ऊपर जैम लगाएं। स्ट्रॉबेरी जैम स्लाइस केक रेडी है। Please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching my video.